गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीबीएससी सेकेंड ईयर। आज हम बात करेंगे जो हमारा संसाधन भूगोल है, संसाधन की परिभाषा की और उसके महत्व की। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे संसाधन की परिभाषा की कि संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक एवं मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। कि संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक तथा मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। कह सकते हैं कि मानव जीवन की प्रकृति, विकास तथा अस्तित्व किस पर निर्भर करता है, इन्हीं संसाधनों पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए उपयोगी है, किंतु उसका उपयोग तकनीकी विकास द्वारा ही संभव है। देखिए क्या है, भूमि है, सूर्य, ताप, पवन, जल, वन, वन्य प्राणी मानव जीवन की उत्पत्ति से पहले भी क्या होते थे, विद्यमान थे, लेकिन इनका जो क्रमिक विकास है वह तकनीकी के विकास के साथ ही हुआ। इस प्रकार मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार संसाधनों का विकास कर लिया और हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर विद्यमान तत्वों को जो मानव द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हैं उनको हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जिमरमैन महोदय कहते हैं कि संसाधन होते नहीं, वे बनते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है, यह उद्देश्य व्यक्तिगत तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करता हो, यह उद्देश्य व्यक्तिगत तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। इस प्रकार पृथ्वी पर कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तभी आती है जब वह निम्न दशाओं पर खरी उतरती है। कारण फर्स्ट सुनिए क्या है, फर्स्ट है कि उस वस्तु का उपयोग संभव हो। कोई भी वस्तु तभी संसाधन है जब उसका उपयोग संभव है, अगर उसका उपयोग नहीं है तो वह संसाधन नहीं है। सेकंड बात आती है उसका जो रूपांतरण है, आर्थिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु के रूप में किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी भी वस्तु को निकालने में हम खर्चा अधिक कर दें और वह हमारे लिए उतनी मूल्यवान नहीं हो, तो उसका जो रूपांतरण है वह अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। तीसरी बात करें, संसाधन हम उसे मानेंगे जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करने की क्षमता हो। सही है, संसाधन वही है जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करने की क्षमता हो या योग्यता हो। नेक्स्ट बात करते हैं, इन वस्तुओं के दोहन को योग्यता रखने वाला मानव संसाधन उपलब्ध हो। और लास्ट बात करते हैं कि संसाधनों के रूप में सतत विकास के लिए आवश्यक पूंजी हो। तो ये जितने भी कारक थे, कोई वस्तु तभी संसाधन बन सकती है जब ये सभी गुण उसमें पाए जाते हैं। बात करते हैं कि संसाधन जो शब्द है अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द से बना है, और इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, री प्लस सोर्स। री का अर्थ होता है दीर्घ अवधि, री का अर्थ होता है दीर्घ अवधि या पुनः। देखिए आप एग्जाम देते हो, आप कहते हो री आ गया, री करवाना है, तो वो री क्या है, रिवोल्यूशन करवाना है, री मतलब दोबारा से, पुनः। सोर्स का अर्थ क्या होता है, सोर्स का अर्थ होता है साधन या उपाय, सोर्स का अर्थ होता है साधन या उपाय। तो रिसोर्स का अर्थ क्या हुआ, री का मतलब होता है दीर्घ अवधि या पुनः, सोर्स का अर्थ होता है साधन या उपाय। तो अर्थ हो गया प्रकृति में उपलब्ध वे साधन जिन पर, पृथ्वी में उपलब्ध वे साधन जिन पर क्या हो सके कि कोई जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सके, कोई भी दीर्घ अवधि तक क्या रह सके, उस पर निर्भर रह सके। कि प्रकृति में उपलब्ध वे साधन जिन पर कोई भी जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक उन पर निर्भर रह सके, या उनका पुनः निर्माण किया जा सके, या उनको पुनः स्थापित किया जा सके, वे सब क्या हैं, संसाधन हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम बात करें, प्रकृति में वायु थी, सूर्य का प्रकाश था, दीर्घ अवधि तक मिलते रहेंगे, ये क्या है, संसाधन है।
जबकि वनस्पति को हम पुनः उत्पादित कर सकते हैं। वनस्पति पेड़ पौधे हो गए, हमने काट लिए, पुनः उत्पादित मतलब उनको दोबारा से लगा कर उनको क्या बना सकते हैं, उनको बना सकते हैं। संसाधन प्रकृति में पाया जाने वाला ऐसा पदार्थ गुण या तत्व होता है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखता है, जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखता है। संसाधन देखिए, हम उसको तभी मानेंगे जब वह मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, अन्यथा वह हमारे लिए संसाधन नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा कि संसाधन दृष्टिगत तथा अदृश्य दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं। दृश्यमान जो संसाधन हैं उनकी अगर हम बात करें तो जल है, भूमि है, खनिज है, वनस्पति है, ये सारे क्या हैं। लेकिन अगर अदृश्य की अगर हम बात करें, अदृश्य जो संसाधन होते हैं, मानव जीवन, उसका स्वास्थ्य, उसकी इच्छाएं, उसका ज्ञान, उसका सामाजिक जो सामंजस्य होता है, उसकी आर्थिक उन्नति, वो सब क्या हैं, अदृश्यमान संसाधन है। कि आपका स्वास्थ्य है, अच्छा है, आपकी जो इच्छाएं दिखाई नहीं दे रही है लेकिन पूर्ण हो रही है, आपकी जो इच्छाएँ वो दिखाई नहीं दे रही है इसलिए क्या है, अदृश्य है लेकिन पूर्ण हो रही हैं। तो जो संसाधन है उसका अर्थ क्या है, संसाधन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स, और रिसोर्स ज्योग्राफी, संसाधन भूगोल। री का अर्थ होता है दीर्घ अवधि या पुनः, सोर्स का अर्थ होता है साधन या उपाय, ऐसी वस्तु जिनका हम लंबी अवधि तक उपयोग कर सकें, जैविक समुदाय में जिसका हम उपयोग कर सकें, वो क्या है, संसाधन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं परिभाषा की, कि संसाधनों के विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग परिभाषाएँ दी हैं, और जिसमें जो जिमरमैन है उनकी परिभाषा महत्वपूर्ण है। देखिए, जिमरमैन महोदय क्या कहते हैं, जिमरमैन महोदय कहते हैं कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन होते नहीं वे बनते हैं, कि संसाधन होते नहीं हैं वे बनते हैं। अर्थ क्या होगा इसका, जिमरमैन की डेफिनेशन आप ज़रूर याद करना, उसका कारण क्या है, छोटी सी है, याद करने में आपको आसानी रहेगी। दूसरी डेफिनेशन किसकी है, दूसरी डेफिनेशन है मिचेल महोदय की। आप 5 या 7 डेफिनेशन अवश्य याद करके रखना, क्योंकि फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आपका इसी से रिलेटेड आएगा, इसलिए आपको पता भी होना चाहिए जो संसाधन भूगोल है हमारी उसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, जो जिमरमैन महोदय हैं वो क्या कहते हैं कि संसाधन होते नहीं वे बनते हैं। सूर्य है, सूर्य सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल है, जल संसाधन, होते नहीं हैं, होते नहीं हैं वे बनते हैं। जब हम उस सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो वह संसाधन बन जाएगी, होते नहीं हैं बल्कि बनाने पड़ते हैं। मनुष्य क्या करता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करेगा, अपनी बुद्धि का उपयोग करेगा तो उनको संसाधनों में परिवर्तन कर लेता है। सूर्य पहले भी रोशनी देता था, ऊर्जा प्राप्त होती थी, आज भी वर्तमान समय में भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, लेकिन पहले हम उस ऊर्जा का उपयोग नहीं करते थे, वर्तमान समय में हमने क्या बना लिया, सोलर प्लांट बना लिए, और उस ऊर्जा का हम उपयोग करने लगे तो क्या हुआ, संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन होते नहीं वे बनते हैं। मनुष्य ने क्या किया, अपनी बुद्धि का उपयोग किया और उसको संसाधन बना दिया, होते नहीं हैं, पहले भी सूर्य था लेकिन पहले हमने उससे सौर ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया, इसलिए वह संसाधन नहीं था। सही है, अब हमने क्या किया, उससे सौर ऊर्जा की उत्पत्ति कर ली, सोलर प्लांट लगा लिया, हमने ऊर्जा बना रहे हैं, हम क्या हो गया, बनते हैं। हमने क्या किया, अपनी बुद्धि का उपयोग कर लिया और उसको क्या बना दिया, संसाधन बना दिया। दूसरा है मिचेल महोदय डेफिनेशन देते हैं कि मनुष्य का ज्ञान सभी संसाधनों की जननी है। बिल्कुल सही बात है, कारण क्या है, जब तक हम अपने उस ज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम किसी संसाधन का उपयोग नहीं करेंगे। संसाधन पहले भी था, सही है, मिट्टी में कह सकते हैं, जमीन के नीचे कोयला था, पेट्रोलियम था, प्राकृतिक गैस थी, लेकिन मनुष्य उन सभी जो ऊर्जा संसाधन था उनका उपयोग नहीं करता था। अब जब उनका उपयोग नहीं करता था तो वो संसाधन नहीं कहलाते थे। अब क्या किया मनुष्य ने, उन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उन सभी का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया।
अब जैसे ही उन्होंने इनका प्रयोग करना प्रारंभ किया, क्या हुआ, क्या हो गया? मनुष्य ने अपने ज्ञान को उपयोग किया, जैसे ही उसने अपने ज्ञान का प्रयोग किया वो क्या बन गया, संसाधन बन गया। तो जो मिचेल मोदे थे वो मनुष्य के ज्ञान को ही क्या मानते हैं, जो भी हमारे संसाधन हैं उनकी जननी उसको माना गया है। कारण क्या है, क्योंकि मनुष्य के ज्ञान के बिना हम किसी भी संसाधन को संसाधन नहीं बना सकते हैं या हम उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। कोयला था, पेट्रोलियम था, लेकिन जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं आई तब तक मानव ने उनका उपयोग करना प्रारंभ नहीं किया। तो मानव ने जब तक उनका उपयोग नहीं किया तो तब तक वो संसाधन भी नहीं कहलाए। तो जो मिचेल मोदे थे उनका मानना था कि मनुष्य का जो ज्ञान है वह सभी संसाधनों की जननी है, मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा ही उन सभी संसाधनों का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक है जेम्स फिशर, इन्होंने डेफिनेशन दी। जेम्स फिशर महोदय, इनका ऐसा मानना है कि संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता है। संसाधन ऐसी कोई वस्तु है, संसाधन ऐसी कोई वस्तु है, वस्तु है जो मनुष्य की जो मानवीय आवश्यकताओं तथा जो मानवीय आवश्यकताओं तथा मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता है, मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता है। लो जी, जेम्स फिशर महोदय का ऐसा मानना था कि जो संसाधन है ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं तथा उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जैसे ही संसाधनों का उपयोग करता है उसके जीवन स्तर में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए उसकी जितनी भी इच्छाएं होती हैं क्या हो जाती हैं, उनकी पूर्ति हो जाती है। इसलिए जो संसाधन है वो क्या है, एक ऐसी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं की क्या करती है, पूर्ति करती है, तथा या हम कह सकते हैं कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। ये तीन डेफिनेशन लिखवा दी है मैंने, दो डेफिनेशन बोल देती हूँ, समझा देती हूँ, और पांचों डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? और जब आप नोट्स बना के लेके आएंगे तो पांचों डेफिनेशन होनी भी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, किसकी बात करते हैं, एक समाज विज्ञान कोश है उसके अनुसार संसाधन भूगोल की एक डेफिनेशन आई थी कि संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिसके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो उनका भी ऐसा मानना था कि जो संसाधन होते हैं मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बहुत ही सहायक होते हैं, जिसके कारण मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और जैसे ही मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है मनुष्य के जीवन स्तर में परिवर्तन आ जाता है, या हम कह सकते हैं कि वह उच्च जीवन स्तर जीने लगता है। तो ये बात करी हमने, किसकी बात करी थी, संसाधन भूगोल की परिभाषाओं की बात करी। अब हम बात करेंगे कि वर्तमान समय में जो संसाधन भूगोल है उसका क्या महत्व है, ठीक है? कि वर्तमान समय में जो संसाधन भूगोल है उसका क्या महत्व है, तो हेडिंग डाल लीजिए संसाधन भूगोल का महत्व। संसाधन भूगोल का महत्व, देखिए उससे पहले थोड़ी सी और बात बताती हूँ। जैसे हमने किसकी बात करी थी, परिभाषाओं की बात करी थी, परिभाषाओं में एक चीज़ और आती है कि केवल जो संसाधन होते हैं उनको प्राकृतिक संसाधन के रूप में मान्यता मिली। बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जिन्होंने संसाधनों पर अपनी अलग अलग क्या दी थी, परिभाषाएं दी थी, और हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में अगर इन संसाधनों के महत्व की ही अगर बात की जाए तो 19वीं शताब्दी में यूरेनियम है उसका जो उपयोग होता था, रंगीन कांच के रूप में होता था,
कांच के रूप में होता था, लेकिन जब यूरेनियम के वास्तविक गुणों का पता चला तो वर्तमान समय में वह बहुत ही सामरिक तथा ऊर्जा संसाधन के रूप में क्या हो गया, उसका उपयोग हो गया, ऊर्जा संसाधन के रूप में क्या हुआ, उसका उपयोग हुआ। अब कारण क्या है, यहाँ एक चीज़ ये बताना चाह रही हूँ कि आपने देखा होगा कि मनुष्य का ज्ञान ही क्या है, वास्तविक संसाधन है। इस चीज़ को बिल्कुल यह जो बात है वह चरितार्थ कर रही है। कारण क्या है कि जब तक हमें यूरेनियम के गुणों का पता नहीं था, सिर्फ हम रंगीन कांच के रूप में क्या करते थे, उसका उपयोग करते थे। जैसे ही हमें उसके गुणों का पता चला, मनुष्य कह सकते हैं कि सामरिक तथा ऊर्जा संसाधन के रूप में उसका प्रयोग वर्तमान समय में अत्यधिक बढ़ गया। ठीक है, तो खनिज संसाधन या हम कह सकते हैं कि संसाधन की दृष्टि से यह चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही कारण है कि मनुष्य क्या करता है, इन संसाधनों का उपयोग करता है और अपने जीवन स्तर में परिवर्तन कर लेता है। अब हम बात करेंगे संसाधन भूगोल के महत्व की। देखिए क्या हुआ कि वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो तीव्र गति से आर्थिक विकास का जो दौर चल रहा है, संसाधन भूगोल का महत्व बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है, क्योंकि किसी भी देश के आर्थिक विकास में संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब संसाधन भूगोल का महत्व इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि कौन सा खनिज संसाधन हमें कहाँ से प्राप्त होगा, कितनी मात्रा में वह प्रकृति में उपलब्ध है, उसके वैकल्पिक स्रोत के रूप में हम कौन से ऊर्जा संसाधन का उपयोग कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है, संसाधन भूगोल से। जिसके कारण अगर कोई भी देश अपना आर्थिक विकास करना चाह रहा है तो उसको अपने जो संसाधन है उनके बारे में जानना होगा, और संसाधन किसके कौन से भूगोल को पढ़ोगे तब उसकी जानकारी होगी, संसाधन भूगोल को पढ़ने से उसकी जानकारी प्राप्त होगी। देखिए ऐसा पहले भी होता था संसाधन भूगोल के बारे में, लेकिन कारण क्या था, जैसे कोई राजा होता था वो अपने यहाँ क्या रखता था, किसी भी भूगोलवेत्ता को रखता था या अपने यहाँ कवि रखता था, तो भूगोलवेत्ता को जो नए नए मानचित्र बनाए, नए क्षेत्रों को खोज के लाए, नए क्षेत्रों का उसको पता चले, तो ऐसे में क्या करते थे, जो राजा होते थे ऐसे जो लोग होते थे उनको यात्राओं पर भेज देते थे कि कहीं कोई नई चीज़ मिले। जैसे आपने जब एमए प्री में एक बुक चलती है भौगोलिक विचारधाराओं का विकास, तो उसमें यही चीज़ कही गई है, जो राजा होता था अलग अलग क्षेत्रों में जाना, एटलीज का, कैस्पियन सागर का, इस क्षेत्र का अध्ययन किया, वहाँ से उसने ये चीज़ खोजी। तो कारण क्या था, वह नए नए इन खनिज संसाधनों की प्राप्ति के लिए उन नए नए क्षेत्रों में जाते थे और अपना जो खोज कार्य है वह प्रारंभ रखते थे। पहले राजा का एकमात्र मुख्य उद्देश्य क्या होता था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो साम्राज्य का विस्तार, इस क्षेत्र में जाइए अपने साम्राज्य का विस्तार करें, ये राजा कमज़ोर है, इस पर आक्रमण किया, अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया। लेकिन साथ ही साथ जो बुद्धिमान होते थे उनका एकमात्र उद्देश्य ये भी होता था कि हम नए क्षेत्रों की खोज करें, उन पर अधिकार करें और वहाँ के खनिज संसाधनों का उपयोग करें। जब भारत पर मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया, उसका कारण क्या था, उसका एक कवि था अलबरूनी, वो कहाँ आया था, भारत आया था, उसने भारत की इतनी अधिक प्रशंसा की कि वहाँ पर इस प्रकार का समाज है, ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, तो उसको देख के लगा कि इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती, और वो अपनी सेना के साथ आता है और भारत पर आक्रमण कर देता है। तो पहले जो विद्वान होते थे, अलबरूनी क्या था, भूगोलवेत्ता था, अलग अलग क्षेत्रों में गए, उन क्षेत्रों के बारे में जाना, यहाँ कौन से खनिज संसाधन हैं, इस क्षेत्र का विकास हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो इन जितनी भी चीज़ें हैं इन सभी का अध्ययन किस में होता था, प्राचीन समय में भी होता था संसाधन भूगोल में, और वर्तमान समय में भी हो रहा है किसमें, संसाधन भूगोल में, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए वहाँ के संसाधनों को जानना बहुत ही आवश्यक है, और उन सभी की जानकारी हमें कहाँ मिलेगी, इसी संसाधन भूगोल में हमें उन सभी की जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा, इन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के दौर जो संसाधन भूगोल का महत्व बढ़ता जा रहा है वर्तमान समय में, इसके बिना आर्थिक तंत्र का चलना असंभव प्रतीत होता है। कारण क्या है, विश्व के विभिन्न देशों की आर्थिक दशा में हो रहे परिवर्तन के बारे में जानकारी, वहाँ के जो संसाधन हैं उनकी उपलब्धता या कमी के अध्ययन से ही हमें प्राप्त हो सकती है। दूसरा, इन्होंने कहा कि आर्थिक समस्याओं की जो जानकारी है उसके लिए भी संसाधनों के भू आर्थिक दृष्टिकोण द्वारा अध्ययन किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक देश की जो बदलती हुई अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को औद्योगिक उत्पाद तथा कृषि संसाधनों की स्थिति के अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है वो तय करते हैं, और किसी भी देश में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन हैं
उनके भंडार होने से वह अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में अपना प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव अवश्य डालता है। सीधी सी बात है, भारत तीसरी अवस्था में, जनान के संरचना की तीसरी अवस्था में चल रहा है कह सकते हैं, सक्षम है, लेकिन फिर भी पेट्रोल जैसे उत्पादों के लिए उसे बहरीन जैसे छोटे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं, उत्पाद हैं, वो उन्हीं क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं, और भारत जैसी एक विशालकाय शक्ति को भी उस पेट्रोलियम के लिए या खनिज तेल के लिए छोटे छोटे देशों पर निर्भरता रखनी पड़ती है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उस देश के लिए कह सकते हैं कि किसी भी देश में अगर खनिज संसाधन मिलते हैं या अत्यधिक खनिज संसाधनों का दोहन होता है या अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर ये चीज़ें उपलब्ध होती हैं, तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो उसकी साख होती है उसमें भी वह वृद्धि पाई जाती है। अनेक बार खनिज संपन्न जो क्षेत्र होते हैं सामरिक दृष्टि से विवाद का केंद्र भी बन जाते हैं। देखिए कारण क्या है, कोई भी क्षेत्र है अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार का खनिज संसाधन है तो वह युद्ध वाली स्थितियाँ भी बन जाती हैं, अलग अलग देश उस पर अपना अधिकार करना चाहते हैं, जिसके कारण सामरिक दृष्टि से कह सकते हैं कि विवाद का केंद्र बन जाते हैं। ग्रीनलैंड द्वीप है, ग्रीनलैंड द्वीप है, इधर उत्तरी अमेरिका है, इधर यूरोप है, उन दोनों के बीच में ग्रीनलैंड द्वीप है, बर्फ़ से ढका रहता है, लेकिन क्या है सामरिक खनिज पाए जाते हैं, उन खनिजों की अधिकता के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और जो रूस हैं वो दोनों ही उस पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। इधर उत्तरी अमेरिका है, सही है, देखिए आपने वो पढ़ी थी क्या एस्किमो, याद है, वो इस ग्रीनलैंड में ही पाए जाते थे। ये जो द्वीप है इस पर यूएसए, ग्रीनलैंड द्वीप का नाम क्या है, ग्रीनलैंड, खनिज संसाधन पाए जाते हैं, और इधर से यूरोप का रूस, वो दोनों ही देश इस पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि खनिज संसाधनों की अधिकता इस क्षेत्र पर पाई जाती है, इसलिए क्या बन गया, ग्रीनलैंड विवाद का कारण बन गया। यूएसए भी इस ग्रीनलैंड पर अपना अधिकार करना चाहता है और रूस भी इस पर अपना अधिकार करना चाहता है। दूसरा एक और है, दूसरा क्या है, कैस्पियन सागर, दूसरा क्या है, कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया के मध्य में, कैस्पियन सागर में है तेल क्षेत्र, क्या है, कैस्पियन सागर में पाए जाते हैं तेल क्षेत्र, कौन कौन से देशों में, देखिए रूस है, इराक, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन देशों का अधिकार है, इन कैस्पियन के जो तेल क्षेत्र हैं उस पर किनका अधिकार है, रूस का, ईरान का, अजरबैजान का, कजाकिस्तान का और तुर्कमेनिस्तान का अधिकार है। लेकिन जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया के पेट्रोलियम भंडारों की तरह यहाँ भी पूंजीवादी तथा साम्यवादी शक्तियों के मध्य विवादित स्थल भू राजनीति का स्थल बनता जा रहा है। ये जो तेल क्षेत्र हैं ये भी विवाद का विषय बने हुए हैं पूंजीवादी और साम्यवादी शक्तियों के मध्य। दूसरा इन्होंने बताया कि भारत जैसे जो अनेक बड़े देश हैं खनिज तेल की प्राप्ति के लिए कुवैत और एक देश का नाम है बहरीन, इन जैसे छोटे जो देश हैं उन पर भारत जैसे विशाल देश को निर्भर रहना पड़ता है। कारण क्या है, इन क्षेत्रों से क्या निकलते हैं, तेल क्षेत्र हैं, तेल निकलता है, और भारत अपनी आवश्यकताओं की जो तेल है उसकी पूर्ति करने के लिए इन देशों से क्या करता है, तेल खरीदता है। भारत जैसे विशाल देश को इन देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो यही कारण है कि सभी मुद्दों का, जितने भी मुद्दे हैं उन सभी का अध्ययन किस में किया जाता है, संसाधन भूगोल में। दूसरा इन्होंने बताया कि संसाधन भूगोल का जो अध्ययन है निम्न जितनी भी समस्याएँ हैं उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने के कारण भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तेल विवाद है, सीमा विवाद है, उन सभी का अध्ययन करने के लिए भी संसाधन भूगोल को महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट लिखें, फर्स्ट पॉइंट है संसाधनों की मांग तथा पूर्ति का निर्धारण, संसाधनों की मांग तथा पूर्ति का निर्धारण, संसाधनों की मांग तथा पूर्ति का निर्धारण। देखिए क्या होता है, आज किसी भी देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या होगी, किसी भी वस्तु की मांग बढ़ती जाती है। जिस प्रकार से बात करें
आज देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण विभिन्न जो संसाधन है उनकी मांग बढ़ती जा रही है, आपूर्ति किस प्रकार से की जाए, इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संभव हो सकता है, कारण क्या है कि मानव का जो जीवन स्तर है वह ऊंचा हो सके। अगर मांग और पूर्ति, किस प्रकार की मांग है और उस मांग की पूर्ति अगर संभव कर दी जाए तो जो मानव है उसका जो जीवन स्तर है वह ऊंच पाया जाता है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें, जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में क्या है कि हमारे जो संसाधन हैं उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं, तो संसाधनों की जो कमी होना वो क्या है, स्वाभाविक है। जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ेगी उस अनुपात में हमारे जो संसाधन हैं वो नहीं बढ़ पाते हैं, जिसके कारण क्या होती हैं, उस अनुपात में हमारे जो संसाधन है वो नहीं बढ़ेगी, संसाधन नहीं बढ़ेंगे तो संसाधनों की क्या आएगी, कमी आएगी, और कमी होना स्वाभाविक है। जबकि विश्व की अगर जनसंख्या की बात करें तो 2011 में जो विश्व की जनसंख्या थी कितनी थी, 700 करोड़ की। हमारी जो जनसंख्या है वह अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ रही है, जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में हमारे जो संसाधन हैं उनकी जो पूर्ति है वह बढ़ना स्वाभाविक नहीं है। इस जनसंख्या का जो दबाव है संसाधनों पर पड़ने से वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र को क्या हो गया, खतरा उत्पन्न हो गया, और इन सभी स्थितियों में किसका अध्ययन करेंगे हम, संसाधन भूगोल का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से नए क्षेत्र खोजे जाएं। जिस प्रकार से बढ़ती जनसंख्या है उस जनसंख्या को विभिन्न प्रकार के जो आवश्यकताएं हैं उसकी उन आवश्यकताओं के अनुसार क्या कर सकें हम, वो सभी संसाधन उपलब्ध करवा सकें। सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट लिखे, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। सेकंड है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। देखिए, किसी भी संसाधन को अगर हमें सुरक्षित रखना है, भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित रखना है, तो उनका प्रबंधन तथा नियोजन करना अति आवश्यक है। देखिए क्या होता है कि संसाधन भूगोल का अध्ययन इसलिए भी किया जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और नियोजन किस प्रकार से करें जिसके कारण राष्ट्रीय दृष्टि से उनकी पोषणीयता बनी रहे। कि कोई भी देश है अगर अपने संसाधनों का सही ढंग से उपयोग नहीं करेगा, उनका संरक्षण नहीं करेगा, उनका नियोजन नहीं करेगा, तो जो राष्ट्रीयता की, राष्ट्रीय दृष्टि की जो उनकी पोषणीयता है वह नहीं बनी रहेगी, भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन तथा पारिस्थितिकी संकट का सामना करना पड़ेगा। आज हम तो अपना जीवन गुजार देंगे लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए यह संकट उत्पन्न हो जाएगा कि वह किस प्रकार से अपने इन खनिज संसाधनों का उपयोग करे। जब खनिज संसाधन होंगे ही नहीं तो क्या होगा, पर्यावरणीय संकट तो उत्पन्न होगा ही होगा, इन खनिज संसाधनों का भी संकट क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग तथा संरक्षण की जो विधियां हैं क्या करना चाहिए, संरक्षण की विधियां मनुष्य के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान पर क्या करती हैं, उनकी निर्भरता रहती है, और इन पर राजनीति नीतियों का प्रभाव भी देखने को पड़ता है कि किस देश में किस प्रकार की सरकार है, उन सभी सरकारी प्रभाव भी उन नीतियों पर देखने को मिलता है। इसलिए संसाधन भूगोल का प्रत्येक सभ्य तथा सामाजिक नागरिक के समान राजनीतिज्ञों एवं नियोजन करने वाले अर्थशास्त्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण है कि उन लोगों को भी इतना प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे खनिज संसाधन है उनको भावी पीढ़ी के लिए हम संरक्षित कर सकें, नियोजन कर सकें और उनको संरक्षित कर सकें। क्यों? क्योंकि आर्थिक तंत्र का निर्माण करने वाले लोगों के लिए संसाधन भूगोल का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि आर्थिक प्रगति के लिए वे पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न कर देते हैं। अगर किसी भी चीज़ का हम अत्यधिक दोहन करेंगे तो जो हमारी पारिस्थिति के जो तंत्र है उसमें क्या आ जाता है, असंतुलन पाया जाता है। अगर हमें पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखना है तो ये जो हमारे संसाधन हैं इनका एक लिमिट, सीमित मात्रा तक ही इनका उपयोग किया जाना चाहिए। संसाधनों का उत्पादन वास्तविक संसाधन भूगोल में ही मिलता है कि संसाधनों का हम कितना उपयोग करें ताकि वो भावी भविष्य के लिए वो संरक्षित हो सकें। देखिए क्या है कि विभिन्न उद्योगों की जो स्थापना है वो किस पर निर्भर करती है, कच्चे माल पर। जो विभिन्न उद्योग हैं उनकी जो स्थापना है किस पर निर्भर करती है, कच्चे माल पर। अगर कच्चा माल ही नहीं होगा तो क्या हम उद्योगों की स्थापना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये ही क्या है, आर्थिक संकट है।
कि जब हमारे पास संसाधन नहीं होंगे तो हम विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना भी नहीं कर पाएंगे, और जब उद्योगों की स्थापना नहीं होगी तो कोई देश विकास भी नहीं कर सकता है। दूसरा, इन्होंने बताया कि उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल की जानकारी होना आवश्यक है। कच्चे माल की जानकारी किससे मिलेगी? संसाधन भूगोल से मिलेगी। कौन सा कच्चा माल कहाँ मिलेगा इसकी जानकारी भी किससे मिलेगी? संसाधन भूगोल से मिलेगी। तो इसके लिए भी क्या है, संसाधन भूगोल की जानकारी होना अति आवश्यक है। विभिन्न कच्चे माल के स्रोत कहाँ हैं, औद्योगिक उपक्रम कहाँ तक लगाए जा सकते हैं, परिवहन लागत कितनी होगी, उसके उत्पाद का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में से कितनी दूरी पर होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका मूल्य क्या होगा, और कह सकते हैं कि इन जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर कौन देगा, संसाधन भूगोल देगा। वर्तमान संसाधन संकट के दौर में विभिन्न संसाधनों के अवनयन की पर्याप्त जानकारी मिल जाती है, जिस आधार पर हम उक्त संसाधन के संरक्षण की रणनीति बना सकते हैं। विश्व में हो रहे वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, जैव विविधता, जल संकट, ऊर्जा हार्श, पर्यावरण परिवर्तन, जितनी इन सभी की जानकारी हमें किससे मिलती है, इसी संसाधन भूगोल से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उन सभी को इनसे अवगत होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब तक हम संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो मानव और पर्यावरण है उसके मध्य संतुलन स्थापित नहीं हो सकता, और इस प्रकार वर्तमान आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी युग में संसाधन भूगोल का अध्ययन महत्वपूर्ण विषय का क्षेत्र बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी देश अगर विकास करेगा तो उसको विकास करने के लिए खनिज संसाधन, कच्चे माल जो भी प्राप्त करना है, बिना संसाधन भूगोल की जानकारी के वह उसको उपलब्ध नहीं हो सकता है। अगर किसी वस्तु को तैयार कर ले तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से दूरी कितनी है, किस मूल्य पर वह जाएगी, तो उन सभी की जानकारी किससे प्राप्त होती है, संसाधन भूगोल से। तो कोई भी देश अगर विकास करना चाहे तो विकास की दृष्टि से संसाधन भूगोल का जो अध्ययन है अति महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर मानव को विकास करना है और अपने जीवन स्तर में परिवर्तन करना है तो उसको संसाधन भूगोल के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो और आज के लिए इतना ही, ये था हमारा संसाधन भूगोल का महत्व। उससे पहले हमने बात करी थी संसाधन भूगोल की परिभाषा की। जीबरमैन और मिचेल के अनुसार संसाधन भूगोल की डेफिनेशन क्या थी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और जो संसाधन है उनका हम प्रबंधन तथा नियोजन किस प्रकार से करते हैं, कोई एक पॉइंट आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।